reached our destination. इधर क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने के लिए आए, क्या बोलने के लिए आए, ये सब जानने के लिए आपको वापस जाना होगा घर के पार्किंग में. तो आप लोग जाओ घर के पार्किंग में, सुनो हम इधर किस लिए आए. तब तक मैं इधर करता हूँ टाइम पास, फुल टू टाइम पास. आप जाके आओ, मैं इधर ही हूँ, तो जल्दी जाके आ जाओ. ओके, मैं इधर ही हूँ, किधर नहीं जा रहा हूँ, जाके आ जाओ. हेलो ऑल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल अविड ब्लॉग अंडरस्कोर सांजू एंड नमस्कार. तो आज से एक नया किस्सा चालू होने वाला है जो कि है डेली व्लॉग्स. तो आप लोग बोलेंगे यार तू भी चालू कर दिया क्या डेली व्लॉग्स. यस, मैंने भी चालू कर दिया, ट्रेंडिंग में है तो चालू करने में क्या जाता है. बट आप लोग बोलेंगे यार क्यों मैं देखूँ तेरा डेली व्लॉग्स, मेरा डेली व्लॉग्स क्यों देखना चाहिए. सही बात है ना, मैं थोड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी हूँ या कोई बड़ा बंदा हो जो आप लोग मेरा डेली व्लॉग देखेंगे. बट मेरा डेली व्लॉग देखने में आपको भी फ़ायदा है, क्यों वो तो पता करेंगे. बट उसके पहले एक चीज़, मेरा डेली व्लॉग्स ऐसा नहीं होने वाला है. कैसा, आई एम संजू, अब मैं इधर पहुंच गया हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं इधर से जाने वाला हूँ ऊपर, उधर जाके बैठने वाला हूँ, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इधर पहुंच गया हूँ, मैं उधर पहुंच गया हूँ, ये चीज़ नहीं करने वाले अपन. क्या करने वाले वो आपको बताऊँगा, वापस वो जगह पे जाके जिधर आप पहले थे. तो चलो जाते हैं वो जगह पे मेरे साथ, अभी मेरे स्टाइल में जाते हैं. ओके, बट जाने में भी थोड़ा सा एफेक्ट्स और थोड़ा सा माहौल बना के जाएंगे. तो चलो मेरे साथ, हम जाते हैं वो जगह पे जिधर से हमने चालू किया था. तो पहुंच गए आप लोग भी द डेस्टिनेशन स्पाइन रोड. ऐसा बोल रहा है जैसे कि बहुत दूर है, नज़दीकी है यार, 10 से 15 मिनट है घर से. पहले भी आपने ये लोकेशन देखा है मेरा. तो आज का चर्चा कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, सुन लो. एक कंपनी था, वो कंपनी में एक 25 लोगों का इंटर्नशिप था, नए बच्चे लोग थे. तो कंपनी वाले ने सोचा कि इनमें यूनिटी कैसे लाए. तो कंपनी वाले ने एक टास्क रखा, वो टास्क था द बलून गेम. तो ये गेम में क्या करना था, बलून फुलाना था और बलून पे अपना नाम लिखना था, जो भी इंटर्न था उसका नाम लिखना था. तो ये चैलेंज चालू हुआ, तो 25 लोगों में 20 लोगों ने नाम लिख लिया अपना और 5 लोगों ने नहीं लिखा क्योंकि बलून टूट गया जैसे नाम लिख रहे थे. फिर भी उनको सेकेंड ट्राई दिया, फिर भी उनसे नहीं हुआ. तो ये 20 लोगों का बलून का नाम था. तो वो लोग गए एक सेकेंड स्टेज में, वो स्टेज में एक बंद कमरा था, वो बंद कमरे में ये सब बलून डाले थे नाम में. तो उधर के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला अभी ये बंद कमरा में आपको जाना है और आपके नाम का बलून आपको ढूंढना है और याद रखना है कि कोई भी बलून फूटना नहीं चाहिए. तो ये 20 इंटर्न भी वो कमरे के अंदर गए और वो बलून ढूंढना चालू किए. बट किसी ने कोई बलून नहीं तोड़ा, बट उनको अपना खुद का नाम का बलून भी नहीं मिला. तो इंटर्न ने और एक उनको बताया आइडिया कि अब ऐसा करो, तुम कोई भी बलून उठा लो और जिसका नाम का बलून आता है वो बलून वो बंदे के हाथ में दे दो. तो क्या हुआ, वापिस ये 20 लोग वो रूम के अंदर गए और बलून एक एक बलून उठा लिए और जिसके नाम का बलून था उसको दे दिए. तो इंटर्न ने बोला देखा अभी तुमको बलून मिल गया. तो आज का चर्चा सिर्फ इतना ही था. तो अब हम बढ़ते हैं जिम के ओर और आगे का चर्चा उधर करते हैं. चलो जिम के ओर, और कुछ नहीं, सब चल रहा है. आप लोग बोलेंगे क्यों आए जिम में. तो जिम में आने का कारण है, मैंने सोचा कुछ टिप्स शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ. ऑलवेज डू वार्म अप बिफोर यू आर डूइंग एनी वर्कआउट. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग वार्म अप. व्हेन यू डू वार्म अप योर हार्ट बीट
increases, your blood circulation increases, your body temperature increases, the glucose in your body start converting to make energies, then it prevents you from injuries or the muscle contraction be efficient. And the main thing is that mental awareness comes in your gym whenever you do warm up. So make sure you do warm up before any exercise or workout. That was a tip for the day. That's it. और कुछ बोलने को नहीं है, बस इतना ही चर्चा है जिम में से. Boom. अभी कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, बहुत important चीज़ है, ध्यान से देखो, ये इतना ध्यान से देखो क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हमने स्पाइन रोड में क्या चर्चा किया था. और आपने पूछा था ना क्या चर्चा चालू है, तो ये चर्चा चालू था. एक बार देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा वो चर्चा का महत्व क्या है. हम यहाँ पे केरला फ्लड रिलीफ फंड के लिए आए हैं और हमने यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस कलेक्ट किए हैं. तो हमारे एक रिफ्लेक्शन करके एक यूथ कम्युनिटी है जो हमने कलेक्टिव बच्चों से जो हेल्प करना चाहते लोगों को सोशल वर्क्स के लिए हमने कलेक्ट किया है. तो ये सब मिलके हम एक यूनिट है जो मदद करते हैं लोगों को, जो नीडी पीपल्स हैं उनके लिए. तो हमने ये एक NGO टाइप एक फॉर्म किया है हम बच्चों ने मिलके. और हमने अभी एक नया असाइनमेंट किया जो हमने ये केरला रिलीफ फंड के लिए जो जाता है ऐसे ट्रक, उसमें हमने कलेक्ट किए पैकेजेस और हम सेंड कर रहे हैं. ये रिफ्लेक्शन हमारा लोगो है और ये हमारा ग्रुप का नाम है. ये आपको एक्सप्लेन करेंगे गूगल. तो एक्चुअली ये लोगो पूरा बेस होता है रिफ्लेक्शन के ऊपर. तो सबसे पहला है, हमें यहाँ पर एक ट्री दिखाई देगा जो पूरा सूख चुका है और जो आज का कंडीशन है वो यहाँ पर डिपिक्ट होता है. और इसके एकदम नीचे है इसका रिफ्लेक्शन जो एक्चुअली हम लोग हैं, जो एकदम ग्रीनरी है. यहाँ पर एक हाथ देख सकते हो जो उस ट्री को बांध के रखा है, मतलब हमारी इसमें यूनिटी है. और ये पूरा लोगो जो है वो वाइंड अप होता है एक सर्कल में, जो ये कहता है कि हम इन्फिनिटी लेवल पर काम करना चाहते हैं. और इसके नीचे जो नाम है रिफ्लेक्शंस, यहाँ के बीच में जो कट्स आपको दिख रहे हैं वो कट्स हमने इसलिए डाले हैं ताकि हर एक हमारे मेंबर्स के अंदर कोई ना कोई कमी है, बट फिर भी हम एक साथ आके इस रिफ्लेक्शन को हमने फॉर्म किया है. और इसके कलर्स भी जो है वो कॉर्पोरेट कलर्स है, जो हमने यूज़ किया है वो है एकदम ऑरेंज. ये ऑरेंज डिपिक्ट करता है हमारे फ्लैग के कलर को, जो बताता है कि हम एकदम यूनाइटेड है. जिस तरह आपने देखा कि रिफ्लेक्शन टीम ने कैसा केरला का मदद किया, जो फ्लड रिलीफ फंड के लिए उन्होंने पैसा जमा किया और सामान जमा किया, तो ये सब मेहनत उन्होंने एक साथ आके एकजुट होकर ये मेहनत किया. तो दोपहर को जो मैंने एक चर्चा किया था आपसे, वो चर्चे में भी एक कंपनी था जिसमें नए इंटर्न्स लोग थे. आपको वो स्टोरी वापस बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो उसमें मैंने साफ कहा था कि जब उनको बलून ढूंढने कहा था उनके नाम से, जब वो लोग इंडिविजुअली काम कर रहे थे तो वो नहीं हुआ, जब वो लोग एकजुट होके वो काम कर रहे थे तो वो काम इजी हुआ. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वही था कि आप लोग सब एकजुट होकर काम कीजिए. और जो भी काम आप अकेले कर रहे हैं, जितना डिफ़िकल्टी आपको होगा उससे कम डिफ़िकल्टी होगा अगर आप एक साथ आके एक साथ एकजुट होकर वो काम करेंगे. आजकल के ज़माने में वो दिखता नहीं है. लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का पैर खींचते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते. इफ़ इट इज़ प्रोग्रेसिंग फॉर हिम एंड इफ़ यू कैन डू एनी हेल्प फॉर हिम, गो हेड एंड हेल्प हिम. बस यही बोलना था. तो अब हो गया पहला व्लॉग, मिलते हैं कल. अभी टाइम है ट्रांसपोर्ट होने का, इधर से किधर और. चलो फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे.